जब आप स्कूल में होते हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये जो दोस्त है मेरे अभी, इनके जैसा दोस्त मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हो तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि जितने बंदे आप स्कूल में जानते थे सब आपके दोस्त नहीं होते। बहुत सारे लोग आपके जान पहचान वाले रहते हैं पर बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपके दोस्त होंगे। स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज लाइफ में एक आध बंदे फिर दोस्त बन जाएंगे आपके। पर ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से आपका एक बंदे या बंदी के साथ दोस्ती हो जाता है। और आज का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। जिन बंदों को आज मैं मिलने जा रहा हूँ ना तो वो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना तो वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। ऐसे ही ज़िंदगी के मोड़ पे जो दोस्ती हो जाता है बस वही है उन लोग के साथ भी। और दोस्त से ज़्यादा ये मेरे बड़े भैया लोग हैं, पर इनके साथ मैं इतना क्लोज था अपने कोलकाता चैप्टर में कि कहने में तो ये मेरे बड़े भैया लोग हैं पर असलियत में ये मेरे दोस्त से कम नहीं है। सो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। दिस इज अबव डम्बो चौक जो उपासक काशीनाथ बुक स्टोर वगैरह है उसके लाइन पे हूँ मैं अभी। तो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आई हैड टू कम आउट हियर एंड वेट फॉर हिमांशुदा, क्योंकि हिमांशुदा को मैं मिलने वाला था यहाँ पे। और हिमांशुदा को यहाँ मिलके मुझे जाना था डॉक्टर ग्राम सोम्स की तरफ। वहाँ पे दो और बंदे हैं जो डॉक्टर ग्राम सोम्स में पढ़े हैं पहले से ही। दे आर स्पेंड एंटायर चाइल्डहुड इन दोज कॉटेजेस ऑफ डॉक्टर ग्राम सोम्स। तो उन लोग को स्कूल के साथ लगाव, जैसे हमारा सेंट ऑगस्टिन स्कूल के साथ लगाव है, उन लोग का भी वैसा ही है कुछ सीन। तो उन लोग को वहाँ पे मिलना पड़ेगा। तो अभी हिमांशुदा को फ़ोन लगाया मैंने तो बोल रहे हैं कि अभी ट्रैफिक जाम में अटके हुए। एंड यस ब्रो, द ट्रैफिक जाम आउट हियर इन कालिम्पोंग इज लाइक स्टूपेंडस। अभी दशहरा का टाइम बोल के, दशहरा का टाइम बोल के इतना भयानक वाला ट्रैफिक जाम लगा है ना भाई, क्या ही बताएं। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, जैसे वो आते हैं उसके बाद सीधा चलते हैं हम डॉक्टर ग्राम सोम्स की तरफ। और वहाँ से सबसे पहले तो हम प्रॉब्ली जाएंगे आंटी की दुकान की तरफ, चाय वाय पियेंगे। उसके बाद में हम प्लान कर रहे हैं कि एक छुटका सा मॉनसून तक का राइड मार लेते हैं, इसीलिए टंकी भी भरवा लिया मैंने। अपना बाइक का फुल पेट्रोल रखा है भाई, फुल पेट्रोल। हेलो हिमांशुदा, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम ब्रो, हाउ हैव यू बीन? सब बढ़िया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू हेड टुवर्ड्स डॉक्टर ग्राम सोम्स। वहाँ पे मिलना है हमको टोनी और ब्रूनो के साथ। तो वी आर दे आर वेटिंग फॉर अस। एक बार फोन कर लेते हैं उन लोगों को पहले। तो चलो, आई जस्ट मेट हिमांशुदा, इट्स बीन लाइक ओवर अ ईयर है हमें बैठे हो। इट्स बीन ऑलमोस्ट टू ईयर्स है अब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उन वहाँ गाड़ी वॉज द लास्ट टाइम वी मेट आई गेस। हम बो कि अच्छी टिक्का पाई देते दादा पहला है रिटर्न तो है बोला बोला इधर ऐसे कह लें भाई। वो देखो हो रहा है पैराग्लाइडिंग डेलो से। तो अगर तुमको भी करना है पैराग्लाइडिंग तो आ जाओ कालिम्पोंग में। मिस्टर गोम्स एंड ब्रूनो, एंड ये वाला बाइक ना कोलकाता में जब था इतना ज्यादा चलाया, इतना ज्यादा भगाया ना ये वाला 150 पल्सर। तो हम लोग उदाई वाला दाई हो, ये वाला बाइक इतना ज़्यादा चलाया है ना हम लोग ने, क्या ही बताए। एंड दिस बाइक इज इन कालिम्पोंग टुडे, जस्ट इमेजिन ब्रो, वो सब यादें पूरा ताज़ा हो रहे हैं अभी। तो यही दो बंदे हैं, मिस्टर टोनी गोम्स एंड मिस्टर एंथनी। तेरा और नाम बंदे शाल चल दिया था नेम। आई एम नॉट मैड ब्रो, आई एम जस्ट आस्किंग यू वेदर आई कैन से दैट नेम और नॉट। चलो लेट्स गो है माथी को एक ना डेलो, फर्स्ट लेट्स हैव सम टी है ना। कालो चाय सीरियसली कहने मांगा तेरे को पीना है कालो चाय। चल सही है भाई, उसके बाद में लेट्स गो टुवर्ड्स मॉनसून। लो राइट नाउ वी रीच डेलो, और डेलो जैसे ही पहुंचे भाई साहब इतना जोर से बारिश होना शुरू हो गया है। जस्ट वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, एंड व्हेन द रेन स्टॉप्स इवेंचुअली दैट टाइम वी आर प्लानिंग टू हेड टुवर्ड्स मॉनसून व्यू पॉइंट। कैटा रसंगा, यू हैव नेवर बीन देयर राइट? नो, ये तो आई हैव बीन एवरीवेयर अराउंड कालिम्पोंग। यू हैव बीन टू मॉनसून व्यू पॉइंट? यस यस। ए ए बी तो धोनी मैच हो रहा है, धोनी मैच इजो आस्ती एंड मालदीव्स का आको है ना, यो अंत हैदली काको भनेर है ब्रो, तो मालदीव्स का रे मजा आ गया ब्रो। ले अब तो आज वैसे ही भाई लोग के साथ यहाँ डेलो आने का प्लान बन गया था, पर आज एक ऐसा बंदे के साथ मुलाकात हुआ जिस द लास्ट टाइम मैं टीम सीरियसली वाज लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक, 2017 मैन लास्ट देखा था। सो दैट्स 4 इयर्स ब्रो, नॉट 6 इयर्स। करीब 4-5 साल के बाद मैं मिल रहा हूँ इसको, और 4-5 साल पहले पता है कैसा था जो दाढ़ी है अभी उस टाइम भी दाढ़ी था।
इतना ज्यादा मोटा हो गया ना भाई रिसेंटली इन लाइक इन द लास्ट टू और थ्री मंथ्स इतना ज्यादा मोटा बन गया ना भाई क्या ही बताए कुछ नहीं बता सकता तो ये सीधा जाएगा पेदोंग जहाँ पे इसका घर है पर अपन चार लोग जाएंगे मोनसोंग की तरफ और थोड़ा गेड़ी मार के आते हैं तो आई विल बी इन टच विद यू सो यू जस्ट वॉच दैट मी या आई विल गो फॉर अ राइड आई विल कॉल यू नीदर या ओके सो या यू आर गोना बी सीइंग अ लॉट मोर ऑफ हिम इन द कमिंग व्लॉग्स दैट्स राइट बहुत आज ही के दिन बारिश होना था भाई कल इतना ज्यादा गर्मी था अरे बाप रे बाप जिंगला में इतना ज्यादा गर्मी पड़ा ना भाई कल क्या ही बताए पूरा पूरा हो गया था मेरा इतना ज्यादा गर्मी था कल लो भाई भेटूंगा फेरी लो लो मैसेज पे व्हाट्सएप में मैसेज पठा रखना बेल का ये मेरा नंबर हो बने लो सेव कर नंबर तो अभी हम यहाँ पे बाकी के जो कोलकाता के भैया लोग थे मेरे उनका इंतजार कर रहे हैं और बारिश के बूंदे टपकना शुरू और मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा खराब हो जाएगा तो इसीलिए कैमरा को रख लेते हैं अंदर और सीधा चलते हैं नीचे बर्मे की तरफ और उसके बाद में मिलते हैं आपसे तो अभी पहुंच चुके हैं मोनसोंग व्यू पॉइंट में और भाई साहब जो नजारा है ना यहाँ से अभी भले ही बारिश हो रहा है पर If you're gonna see, if you're gonna witness the true beauty of this, then दंग रह जाओगे आप देख लो आई एम रियली सॉरी कैमरा जस्टिस का जे भी नहीं दे पा रहा है अभी बिकॉज इट्स सो डैम ब्यूटिफुल विद नेकेड आइज राइट नाउ अभी हमारे भाईजान लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फोटो वगैरह निकाल रहे हैं अब जाएगा शाम को इंस्टाग्राम में हैशटैग कैलिम्पोंग बोल के जाएगा या नहीं जाएगा वहां पे देखो मिस्टर फोटोग्राफर अभी मिस्टर सैल्वाडोर मिस्टर एंथनी सैल्वाडोर माउंटेन्स आर कॉलिंग है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस नी ब्रो बोलते हैं तो भाई लोग को मैं मिला था कोलकाता में एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स वी बिकेम ब्रदर्स कोलकाता में और ये लोग वैसे ही टहलते टहलते घूमते घूमते आ चुके हैं द ओनली पर्सन हु इज इन कलकत्ता राइट नाउ इज ब्रूनो पर क्लिकबेट के लिए बोल दिया कि दे केम ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता टू मीट मी व्यूज भाई व्यूज मिलता है एंड दिस गाय वाज आस्किंग मी कि मैं इंग्लिश में क्यों ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ हिंदी में क्यों कर रहा हूँ आजकल भाई जो मन करे जो मार्केट में जिसका डिमांड है ना भाई वही करना पड़ता है वी हैव टू लिसन टू द वी हैव टू केटर टू द ऑडियंस यू नो Yeah, we're enjoying the beautiful view of Monsoon. और ब्रूनो के साथ बहुत अत्याचार हो चुका है यहाँ पे ये बढ़िया रहेगा कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूँ इसके बारे में राइट सो आई एम गोना शट अप सो दिस वॉज एंटायरली अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग आई रियली होप दैट यू फोक्स एंजॉयड इसके बाद में हम जाएंगे जालसा बंगलो की तरफ पर टूरिस्ट वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो प्रॉब्ली वी आर गोना डिच द प्लान तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज योर ब्रदर द व्लॉगर फ्रॉम द हिल्स प्रियम गुरुंग एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून टिल देन टेक केयर बाय एंड चीयर्स टू लाइफ ब्रूनो को देखो ना कितना अच्छी तरीके से हंस रहा है मेरा भाई चीयर्स टू लाइफ चीयर्स टू लाइफ ब्रो चीयर्स टू लाइफ कोई दूजा जाए गुंगा भाई देगा सो टू लाइफ How was it? Good. After a long time. Why? Almost around 25 years. After 25 years, you are eating out here. Ampo. Budo paisa ke sada tha to beta.